दोस्तों, अगर आपके पास जियो का नंबर है और प्रीपेड नंबर पोस्टपेड में कन्वर्ट हो चुका है या जानबूझकर आपने कन्वर्ट किया है या गलती से किया है, तो वापस आप पोस्टपेड को प्रीपेड में कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। देखिए, आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि आप अगर प्रीपेड से पोस्टपेड में हो गए हो तो 90 दिन आपको वेट करना पड़ता है। 90 दिन के अंदर आप पोस्टपेड से प्रीपेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 90 दिन बाद की प्रोसेस क्या होती है और 90 दिन से पहले आपको पोस्टपेड से प्रीपेड में कन्वर्ट करवानी है तो उसकी प्रोसेस क्या है और किस तरह से आप करवा सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं INT हिंदी टेक पर यह एक्सक्लूसिव वीडियो। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जियो के प्रीपेड से पोस्टपेड होना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप माई जियो एप्लीकेशन या jio.com पर गए होंगे, वहाँ पर काफ़ी आसानी से OTP सबमिट करके आप प्रीपेड से पोस्टपेड हो गए होंगे। लेकिन वही प्रोसेस है पोस्टपेड से प्रीपेड में आने का, लेकिन आपको ये ऑप्शन 90 दिन बाद ही दिखाई देगा या पहले दिखाई भी देगा तो बोलेगा कि 90 दिन बाद ही आप ये प्रोसेस कर सकती हैं। सबसे पहले ये जानिए कि 90 दिन बाद वाली प्रोसेस क्या होती है। तो 90 दिन बाद वाली प्रोसेस दो प्रकार की है। या तो आप अपने जियो नंबर को पोर्ट करवा लीजिए, पोर्ट करवाने के बाद आप प्रीपेड वाला में चले जाइए, या फिर कोई दूसरे कंपनी का भी, आप किसी दूसरे नेटवर्क का भी आप सिम कार्ड इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि जिस तरह से आप अगर खुद से माई जियो एप्लीकेशन से प्रीपेड से पोस्टपेड में गए हैं या jio.com से प्रीपेड से पोस्टपेड में गए हैं, उसी प्रकार से आप पोस्टपेड से प्रीपेड में चले आइए। सबसे पहले ये प्रोसेस देखिए कि किस तरह से आप माई जियो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके पोस्टपेड से प्रीपेड में आएंगे, और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 90 दिन से पहले अगर आपको पोस्टपेड से प्रीपेड में आना है तो आपको क्या प्रक्रिया करना होगा। सबसे पहले आप माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। माई जियो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद होम पेज पर आप देखते हैं, जब आपका अकाउंट लॉगिन होता है तो आपका जो पोस्टपेड रहता है वो इस प्रकार से दिखाता है कि पोस्टपेड है, और बिल डेट भी दिखाता है, लास्ट बिल आपने कितना पेमेंट किया है, और व्यू बिल का ऑप्शन मिलता है और पे एडवांस का ऑप्शन मिलता है। तो आपको अगर पोस्टपेड से प्रीपेड में आना है तो आपको मेन्यू का ऑप्शन मिलता है। जब आप मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद इस प्रकार के इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफाइल एंड सेटिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको प्रोफाइल एंड सेटिंग पर क्लिक करना होता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको मिलता है स्विच टू प्रीपेड, यानी पोस्टपेड नंबर है उसे आप प्रीपेड में स्विच कर सकती हैं। इसी प्रकार से अगर आपका प्रीपेड सिम होगा तो प्रीपेड से पोस्टपेड में जाने का स्विच वाला दिखा रहा होगा कि आप स्विच कर सकती हैं प्रीपेड से पोस्टपेड, और यदि आप पोस्टपेड होती हैं तो पोस्टपेड से प्रीपेड में स्विच करने का भी ऑप्शन जियो की तरफ से दिया जाता है, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे स्विच टू प्रीपेड। अब आप देखेंगे यहां पर चार ऑप्शन बताया गया है, जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि आप अपने डिटेल को कंफर्म करेंगे, जो भी आपका डिटेल बताया जाएगा उसे आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद एक प्रीफर्ड प्लान को चुनेंगे, जो आपका प्रीपेड प्लान है वो आप प्लान चुन लेंगे, जो जियो का प्लान है उसमें से आप प्रीपेड प्लान को चुन लेंगे, और उसके बाद उस प्लान को आपको खरीदना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। प्रीपेड मतलब होता है कि पहले पेमेंट, पहले आप रिचार्ज करो फिर इस्तेमाल करो, और पोस्टपेड में ये होता है कि पहले आप इस्तेमाल करो और उसके बाद बिल पेमेंट करो, जिस तरह से क्रेडिट कार्ड वगैरह का आप करती हैं। इसके बाद है रीस्टार्ट डिवाइस, मतलब जब ये कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करोगे, आपका काम कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ऊपर में मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा के पूरा डिटेल बता दी जाती है कि कौन से प्लान है, क्या नाम है, सब कुछ आपको दिख जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर नीचे में प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है, ये प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है, यानी वन टाइम पासवर्ड, ऊपर में डिटेल है जिसे मैंने हाइड कर दिया है, और यहाँ पर एक OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। अगर ऑटोमेटिक रीड नहीं करता है तो आप खुद से OTP दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन नजर आती है। देखो यहाँ पर बताया गया है ना कि आप अपने नंबर को एक बार पोस्टपेड से प्रीपेड कर लेते हो तो फिर से आप पोस्टपेड ही कर पाओगे जब 90 दिन होगा। उसी प्रकार से अगर आप प्रीपेड से पोस्टपेड कर लेते हो और फिर प्रीपेड में आना चाहते हो तो 90 दिन बाद ही ये ऑप्शन में आप आगे बढ़कर इस प्रक्रिया को पूरा करके, जो कि jio.com से या माई जियो एप्लीकेशन से, आप फिर से प्रीपेड में आ सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करिए और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो जियो का प्रीपेड प्लान आपको शो होता है, जिसमें आप देखेंगे कौन कौन से प्लान है। इसमें से जिस प्लान को चुनना चाहते
आती हैं उस प्लान को आप चुन लेंगे। जैसे सबसे कम वाला 149 का प्लान है, तो इसे खरीदने के लिए बाई पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रोसीड टू पे 149 बताई गई है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे और सीधे लेकर आ जाएगा पेमेंट पेज पर। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपका काम यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही आप अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कीजिएगा आपका काम कंप्लीट है, आपका पोस्टपेड नंबर को प्रीपेड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपको ये बता दूं कि देखो दो तरीका मैंने आपको बताया कि 90 दिन बाद आप कैसे कर सकते हो, 90 दिन बाद आप खुद से कर सकते हो या पोर्ट आउट के मदद से भी कर सकते हो। अब 90 दिन से पहले अगर आपको स्विच करना है तो कैसे करोगे वो भी बताती है। अब बताता हूँ कि अगर आप प्रीपेड से पोस्टपेड में गए हो और 90 दिन आप इंतजार नहीं करना चाहते हो, उससे पहले ही आप पोस्टपेड से प्रीपेड में आना चाहते हो, चाहे गलती से हो गया हो या जानबूझकर हो गया हो, तो आप अगर स्विच करना चाहते हो 90 दिन से पहले, तो इसके लिए आपको जियो स्टोर जाना पड़ेगा, जो कि जहाँ पर सिम कार्ड वगैरह मिलता है, जियो का मोबाइल फ़ोन मिलता है। वैसे आप देखोगे तो काफ़ी सारे रिटेल में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर नहीं, जहाँ पर जियो का ऑफिशियल स्टोर है जो कि हर सिटीज़ में हर शहर में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाओगे, उसे लोकेट भी कर सकते हो, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लोकेट कर सकते हो कि आपके एरिया में जियो का स्टोर कहाँ पर है। वहाँ पर आप जाओगे और यही बात बताओगे कि देखो गलती से प्रीपेड से पोस्टपेड हो गया है, तो वो पहले बोलेंगे कि 90 दिन आप वेट कर लीजिए, उसके बाद आप प्रोसेस कर लीजिएगा। लेकिन आप उनको बोलिए कि नहीं, मुझे अभी ही करना है क्योंकि ये गलती से हुआ है और मुझे पोस्टपेड में नहीं रहना, पोस्टपेड आगे इस्तेमाल नहीं करना है। तो वहाँ पर जो है पोस्टपेड से प्रीपेड में स्विच कर देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, जो कि घंटा आधा घंटा इस तरह से समय लग जाता है, और उसके बाद स्विच हो जाता है आपका पोस्टपेड से प्रीपेड में। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जियो के पोस्टपेड से प्रीपेड में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रीपेड से पोस्टपेड में भी जा सकते हैं, लेकिन ज़रा सोच लीजिएगा आगे किस तरह के बेनिफिट है, क्या है, किस तरह से बिल होती हैं, ये सब कुछ सोचने के बाद, रिचार्ज वगैरह प्लान देखने के बाद ही आप प्रीपेड से पोस्टपेड में जाइएगा। और पोस्टपेड से प्रीपेड आने का मैंने जानकारी दे दिया है। आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे हिम्मत मिलता रहे और आगे भी आपको इस तरह के वीडियो लेकर देते रहूं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में, धन्यवाद।